दे दीजिए, हमको मधेपुरा भी दे दीजिए, हम चुनाव जिता के भेज देंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहिएगा तो मरना पसंद होगा, पूर्णिया को छोड़ना पसंद नहीं होगा। कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे, दे दीजिए विशेष पैकेज। इसीलिए हम गठबंधन चाहते हैं, हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आंख दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, याद रख। की ताकत बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ सीमांचल और कोसी की मां के लिए, मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा, हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता। पप्पू पर विश्वास है ना आपको? बेटा पर विश्वास है ना थोड़ा? यदि विश्वास हो तो कहिएगा। ये जो बार बार आप लोग हमको कहते हैं गठबंधन, लास्ट बात कर रहे हैं, लास्ट बात कह रहे हैं, ए सुनिए ना, यही दिक्कत है भैया, आप कहते हैं गठबंधन, ए भैया इसको चुप करिए ना, आप कहते हैं गठबंधन, हम भी कहते हैं गठबंधन, सुनिए ना, ये मधेपुरा वाला सहरसा वाला काहे बन जाते हैं कभी कभी, मधेपुरा में लठबंधन चाहिए, वहां जात देखा जाता है, पूर्णिया में कोई जात है क्या? और सच बोलिएगा, पप्पू कोई जात है क्या? पप्पू का मतलब न्याय भी, पप्पू का मतलब मदद भी, पप्पू का मतलब 24 आवर इंटू भी, 24 घंटा पप्पू यादव सेवा के लिए तत्पर, एम्बुलेंस से ज्यादा, 24 घंटा। जब जनता भगवान सो जाती है तब पप्पू यादव के आंख में थोड़ा सा नींद आता है। 27 दिन ठंडा में ना हम रहे ऊपर में, कभी देखे हमको चादर, कभी देखे, इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दिल से कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। हमने कह भी दिया, कांग्रेस नेतृत्व ने पूछा भी, हमसे कुछ बात भी लंबी हुई, लेकिन मैंने कहा हमको जो जिम्मेदारी दोगे कोसी सीमांचल जिताने की, हम 200 जिताने का प्रयास करेंगे गिलहरी की तरह। लालू जी, राहुल जी, सब लोग, मैं दिल से कहता हूं कि आज देश परिवर्तन की ओर है, देश परिवर्तन की ओर नहीं होता ये छोटा छोटा चीटी नरेंद्र मोदी को औकात दिखा पाता। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना नहीं रहा, जो नीतीश बाबू को इतना गाली दी और जब जाके चरण धर लिया तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी कितना कमजोर इंसान है, सोचिए ना। अमित भाई आए हैं आप आज, मेरा आग्रह होगा पूर्णिया कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज दे दीजिए। अमित भाई आप हाईडेम की घोषणा करिए, आप तो प्लेन चलानी कह दी, एयरपोर्ट से प्लेन शुरू हो गया, आप तो यहीं पर बोले थे पूर्णिया में मर जाएंगे, नीतीश बाबू से नहीं मिलेंगे, तो आप मर गए कि जिंदा हैं? तो पप्पू यादव की जुमलेबाजी नहीं है पत्रकार जी, मैं आज नहीं ऐसा बात नहीं बोली, नहीं नीतीश कुमार जी देखिए 20 साल हमारे सीएम रहे, ऐसे मत, हो सकता हो उनकी कमजोरी हो, राजनीति अब फेयर नहीं है इस देश की, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हम किसी को गाली दें किसी के लिए ना,
हमें नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज दे दे और हमको बाढ़ से मुक्ति दिला दे और 10-10 ठो फैक्ट्री दे दे, हम दिल से कहते हैं हम को राजनीति करने का शौक नहीं। आज मक्का पर, मखान पर और चाय पत्ती किशनगंज में जो आज सबसे ज्यादा उद्योग है, और हमारे इलाके में फैक्ट्री दे दीजिए पप्पू यादव को, राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे, दे दीजिए विशेष पैकेज। इसीलिए हम गठबंधन चाहते हैं, हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आंख दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। समझ गए कुछ बात? यदि हमको कोई कहेगा पूर्णिया छोड़ के गठबंधन करने तो कर लें, नहीं। जोर से बोलिए ना, नहीं। फिर हम आप पर विश्वास करें ना, हम आएंगे तो फिर हमसे नहीं ना पूछिएगा। इसीलिए हम ये आग्रह करने आए थे, हमने कह दिया कि हम देश के लोकतंत्र, संविधान और देश बचाना चाहते हैं, हम कांग्रेस की ताकत बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ सीमांचल और कोसी की मां के लिए, मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा, हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता, यही मैं कह दिया हूं। हमको सुपौल दे दीजिए, हमको मधेपुरा भी दे दीजिए, हम चुनाव जिता के भेज देंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहिएगा तो मरना पसंद होगा, पूर्णिया को छोड़ना पसंद।